हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है आद्रा स्पेशल ब्लॉग। यानी आद्रा नक्षत्र में हम लोगों का कुछ रिचुअल होता है, यानी कि आम खाना, आद्रा में आम खाते हैं, खीर बनाया जाता है और दाल भर के पूरी। पूरी जो होती है वो दाल भर के बनाई जाती है। कई बार आप लोगों ने कमेंट किया है कि आंटी आप दाल भर की पूरी, मतलब दाल वाली पूरी का रेसिपी आप लोग शेयर करिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ दाल की पूरी का रेसिपी शेयर करें। तो ये पूरा ब्लॉग जो होने वाला है ना, वो होने वाला है आगरा स्पेशल। तो आप बने रहिए। आगरा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे थाली, कौन कौन सी सब्जी बनाई है, कैसे थाली में सजाऊंगी, सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो थाली में होता है खीर और सब्जी, आम, दही और दाल की पूरी। तो ये सब तो मैंने कर लिया है, सिर्फ दाल की पूड़ियाँ रह गई है। तो दाल की पूड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई ले लेंगे पहले। तो दाल कौन सी होती है, सबसे पहले दाल कौन सी होती है? दाल होती है ये चने की दाल। हम लोग इस चने की दाल की पूड़ी बनाते हैं। तो इसको ओवरनाइट सोक कर लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई ले ली है हमने, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तेल में जीरा डाल देंगे और सूखी लाल मिर्च डालेंगे। और यहाँ पे मिर्च डालने का मेन रीज़न यही होता है कि इसमें जो फ्लेवर आता है वो जीरा और मिर्च का ही आता है। तो लाल मिर्च अच्छे से आप भर भर के डाल दें, क्योंकि इसमें जो पाउडर होता है वो नहीं डलेगा। तो यहाँ पे मम्मी ने सारी लाल मिर्च डाल दी और वो थोड़ी सी पक जाए, लाइट ब्राउन सी हो जाए, तो उसके बाद हम सोक किया हुआ सारा चने की दाल इसमें डाल देंगे। और ये बॉयल्ड नहीं है, सिर्फ ओवरनाइट सोक्ड है, ये अपने आप ही पक जाएगा, आपको सिर्फ इसे भुनना है। तो अच्छे से मिक्स कर लो आप, अच्छे से ऑयल, मिर्च, जीरा ये सब डालने के बाद थोड़ा सा हींग भी डाल दो फ्लेवर के लिए। और अच्छे से इसको चलाने के बाद हम इसे ढक के और कम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। इससे पहले इसमें एक चम्मच नमक भी डाल देंगे। नमक क्या करेगा, इसको पकने में बहुत हेल्प करेगा। मतलब कि ठीक है, नमक से सारी चीज़ें गल जाती हैं। तो इतनी गर्मी में, एक तो इतनी गर्मी हो रही थी, ऊपर से मम्मी ये सारा गरम गरम काम कर रही थी, तो उनको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। तो इसे अब ढक देंगे और वेट करेंगे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तब तक मम्मी ने सोचा मैं आटा भी गूंद ही लेती हूँ, प्रिपेयर कर लेती हूँ पूड़ी के लिए आटा। तो यहाँ पे आटा लेते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया मम्मी ने, जो मोइन डालना कहते हैं वो। और इसके बाद रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसमें हम अजवाइन नहीं डालते। मैंने मम्मी को कहा अजवाइन भी डाल दो, तो मम्मी यही बता रही थी कि जो ये पूड़ियाँ होती हैं इसमें अजवाइन नहीं डालते, आप सिर्फ नमक और रिफाइंड का मोइन लगा लो। और ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है, इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है हमें। नीचे हल्का हल्का सा लगेगा लेकिन फिर बाद में ये ठीक हो जाता है। और ये देखिए, ये मम्मी चेक कर रही हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा, आपको बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बॉयल करेंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। ये कच्ची दाल थी, सारा टेस्ट इसमें दाल का अभी भी है। अगर आप हल्का सा भी इसको बॉयल करते हैं तो इसका टेस्ट चला जाएगा और उतनी टेस्टी पूड़ियाँ नहीं बनेंगी। तो दाल तो बिल्कुल अच्छे से हो चुकी थी, आटा भी गूंद के मम्मी ने प्रिपेयर कर लिया था। तो अब क्या करेंगे, अब इस दाल को हमें पीसना होता है, ग्राइंड करना है। तो पहले ठंडा होना चाहिए, तो ठंडे होने के लिए इसको एक अच्छे से प्लेट में निकाल लें और ठंडा कर लें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसको फाइन पेस्ट बना के, और पानी नहीं डालना, ऐसे पाउडर टाइप का बना लेंगे। और फाइन ना भी हो, दरदरा हो, कोर्स हो तो चलेगा, क्योंकि दाल की पूड़ी में दरदरा दाल ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे नॉर्मली जैसे हम कोई भी पूड़ी फिल करते हैं वैसे ही करना है। छोटी सी लोई ले लेनी है, यानी कि आटे का पेड़ा ले लेना है, ऐसे उसको कटोरी टाइप का शेप दे देना है और इसमें दाल डाल देना। दाल डालते हुए उसको थोड़ा सा प्रेस करना है, क्योंकि ये लूज़ होता है, तो थोड़ा प्रेस करोगे आप तो वो बाइंड हो जाएगा। प्रेस करके ऐसे गोल गोल करके, और आप अपनी हथेलियों के हेल्प से पूड़ी का इसको टेक्सचर दे दें। और ये स्टेप बहुत मेन होता है कि आपको पहले बेलन लगाने से पहले हाथ से उसको फैला लेना है,
होता क्या है, बेलन डायरेक्टली लगाओगे तो फूट जाएंगी पूड़ियाँ। तो ये जो है स्टेप बहुत ही मेन है, और हल्के हाथों से उसको बेलना है और पलट पलट के बेलना है। ये नहीं कि उसको रोटी की तरह गोल गोल घुमाना है, नहीं। और थोड़ा सा ही बेलने के बाद इस थिकनेस कर रख के आप सभी को हाई फ्लेम पे पहले ऑयल गरम कर लेना है। अच्छे से गरम हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो कर देना है। हाई फ्लेम पे गरम कर लेने के बाद ऑयल लो करने का रीज़न ये होता है कि अंदर से पूड़ियाँ पके, और अगर आप हाई फ्लेम पे ही पूड़ियाँ डाल देंगे तो होगा क्या, वो जल जाएंगी। ऊपर ऊपर से तो जल्दी से पक जाएंगी, अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगी। तो हमेशा पूड़ियाँ तलते हुए ये चीज़ भी ध्यान रखें। और बहुत ही सही देख रहे हैं आप, फूल चुकी है पूड़ी। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके ऐसी सारी पूड़ियाँ भी हम छान लेंगे। आप ऑयल में मस्टर्ड ऑयल ही लें, मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट यहाँ पे इस पूड़ी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है, क्योंकि रिफाइंड में करेंगे तो रिफाइंड का ना उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। मस्टर्ड ऑयल का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, क्योंकि ये दाल भर के पूड़ियाँ हैं, तो मिथिला की तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि कुछ भी किसी भी पावन पर्व पे दाल भर के पूड़ी और खीर बहुत ही शुभ माना जाता है। क्या क्या मंगाया आज? तो आज हमें रिसीव हुआ है ये, अच्छा और जी, ये जो हमने अच्छा। मंगाया था, इसको खोल लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। और यहाँ पे हमारी आद्रा नक्षत्र की थाली बिल्कुल तैयार है। आप सभी देख सकते हैं कि कोई भी सीजनल वेजिटेबल होता है, जैसे आलू परवल, आलू कटहल बनती है इसमें, दाल की पूड़ी, खीर और आम। ये लोक पर्व होता है जो कि हमारे यहाँ पे इसी इसी मंथ में मनाया जाता है, और लास्ट है 5 जुलाई तक। तो मॉम ने सोचा कि क्यों ना ये थाली स्पेशल प्रिपेयर करके, करते तो हैं ही, हमेशा करते हैं हम, तो आप सभी के साथ भी अच्छे से शेयर किया जाए और हर एक चीज़ की रेसिपी भी शेयर की जाए। तो आलू कटहल की जो सब्जी की रेसिपी है, बहुत पहले मम्मी ने शेयर कर रखी है, खीर की भी शेयर कर रखी है। तो आज दाल पूड़ी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की। कैसी लगी आप सभी को ये थाली, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये मिथिला में इस नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में, ये थाली बनती ही बनती है, लोक पर्व है। और इससे बनाने का मेन रीज़न ये होता है कि हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, कि हमारे कृषि जो लोग हैं वो ऐसे ही कृषि में बढ़ोतरी हो सके। और यहाँ पे मम्मी सो चुकी हैं एसी चला के, क्योंकि इतनी गर्मी में इतना खाना बनाया तो वो थक गए थे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।